इसको क्या कहेंगे, तो एक वारदात कहिएगा। ये भी मॉब लिंचिंग का एक नया स्टाइल आया है। लेकिन इसमें और एक अफसोस की बात यह है कि जो हमारे देश की रक्षा के लिए एजेंसियां बनाई गई हैं, इस तरीके से अगर उनके साथ भी ऐसा माहौल बना करके इस तरीके से उनको मार दिया जाएगा, तो उन गरीब आवाम और मजलूमों के लिए चिंता का विषय है। मैं इतना कहना चाहूँगा, इस शेर से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा, बंद है जो एक मुद्दत से वो सिदके सुहन बोलेगा कौन, मैं ना बोलूँ तुम ना बोलोगे तो फिर बोलेगा कौन। 1947 से लेकर के आज तक क्या हमें सोचने का वक्त मिला? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से जब हिंदुस्तानियों की मार करके ट्रेन को भर करके भेजा जा रहा था, वो मारने वाले कौन थे? आपको ये सोचने का वक्त मिला? क्या ये वक्त मिला कि जब हिंदुस्तान से ट्रेन भर करके पाकिस्तान भेजी गई तो वो मारने वाले कौन थे? आपको इस बात को सोचने का वक्त मिला कि अंग्रेज जब हिंदुस्तानियों को लड़ा करके राज करते थे तो वो लड़ने वाले कौन थे? और आपको इस बात का भी सोचने का शायद वक्त नहीं मिला, आज जो आपको लड़ा करके राज कर रहे हैं, आपको आपस में मार करके राज कर रहे हैं, आज भी शायद आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर आपने अपना ये वक्त खो दिया तो आप हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खो देंगे। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए आपको एकजुट होना होगा। आपको ये बात समझनी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर जो तफरकाबाजी करके राजनीति करने का एक खेल खेला जा रहा है, इसकी चपेट में पूरा हिंदुस्तान आने का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के आने का खतरा है। बस यह है कि पहले मेरी बारी है, फिर तेरी बारी है, फिर तेरी बारी है, फिर इसकी बारी है, फिर उसकी बारी है। कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि आज अगर मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है तो कल तेरे ऊपर जुल्म नहीं होगा। इसलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने प्रोस्टिट्यूशन को, अपनी न्यायपालिका को, अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई को लड़ें। और अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे हिंदुस्तान की ये जमहूरियत खतरे में है। इस जमहूरियत को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा और एक जिम्मेदार, एक प्रोस्टिट्यूशन का एक ऐसा होनहार व्यक्ति हमने खोया है। ये उसके परिवार ही की अक्षति नहीं है, उसके परिवार ही का नुकसान नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र भारत का नुकसान है। पूरे लोकतंत्र भारत की ताकत को कमज़ोर करने का जो एक खेल खेला जा रहा है, इस पीछे की भावनाओं को समझ कर, इसकी मंशा को समझ कर, इसको ख़त्म करने का काम करें। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत का माहौल बनाएं, इसी से देश तरक्की करेगा।